स्टेज और फिल्म की मशहूर मारूफ अदाकारा महनूर के डांस और लाइफस्टाइल के सभी दीवाने हैं। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली महनूर आज हमें दिखा रही हैं अपना लाइफस्टाइल और बता रही हैं कि ये एक महीने में लाखों कैसे कमा लेती हैं। बहुत ज्यादा अच्छी खासी अमाउंट है मेरी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, फिल्म टीवी स्टेज अदाकारा महनूर साहिबा को आपने बहुत देखा होगा टीवी ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में, उसके अलावा फिल्म्स में। आजकल वो टिकटॉक बना रही हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप आ ही गए। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे मैं किसी का इस्तकबाल जल्दी करती नहीं हूँ, मुझे पता था कि ज़ैन आने वाले हैं तो मैंने कहा अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया। बहुत शुक्रिया। चले आए, अंदर चलते हैं। ये है जी मेरा घर। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, प्यारा भी है। थैंक यू सो मच। आपको नाश्ता करवाते हैं। थैंक यू। सबसे पहले बहुत शुक्रिया महनूर कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज टाइम दे ही दिया। अच्छा, इतना सारा कुछ रखने के बावजूद आपने अपने सामने सिर्फ मेरा ख्याल है 2 एग और 7 कावा रखा हुआ है, इसकी क्या सी? जैन दरअसल आप हो गए कमज़ोर, मैं हो गई हूँ, बल्कि मैं आजकल हूँ डाइट पर और मैंने ये सब कुछ आपके लिए मंगवाया। और मुझ में एक चीज़ है कि मुझे जैसे ही फील होना शुरू होता है कि मैं बल्कि हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रही हूँ, मैं तो अपनी डाइट पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। हाँ। चलें चाय पिए लें आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अच्छा मुझे ये बताएं कि अपनी डेली की रूटीन क्या है वैसे आपका? डेली की रूटीन है कि उठती हूँ सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर पार्क में चली जाती हूँ, वॉक करती हूँ, वॉक करने के बाद जब वापस आती हूँ तो फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता। यकीन करें चाय वाकई बहुत मज़ेदार। थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल करती हूँ, सारे काम आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, सारे काम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम, सफाइयाँ भी कर लेती हूँ, सुथराइयाँ भी कर लेती हूँ और इसके अलावा डस्टिंग भी कर लेती हूँ, खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा। हम्म, तो अच्छा मुझे ये बताएं अब नाश्ते के बाद कहाँ पर जाने का इरादा है आपका? नाश्ता अभी हमने कर लिए है, अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि अब मैंने अपने घर के लिए फर्नीचर सेलेक्ट करना है तो इसलिए। अच्छा। अब हम फर्नीचर वाली शॉप पे जाएंगे, उसके बाद इतना टाइम हो जाएगा फिर हम लोग जिम जाएंगे। चले लेट्स गो। ठीक है, थैंक यू। डेली की रूटीन यही है या आज कुछ अनोखा करके दिखाना चाह रही है? नहीं, मैं कौन सा कोई करतब करने वाली हूँ। ये जिम की मेरी यही टाइमिंग है और मैं इसी तरीके से मेरी डेली की रूटीन भी यही है। डेली की रूटीन? हाँ जी, डेली की रूटीन है क्योंकि फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है और मैं ये समझती हूँ कि इंसान को अपने लिए एक घंटा लाजमी निकालना चाहिए। जी जैन, अब हम लोग जिम आ गए हैं तो चलें। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी मेरी प्यारी सी कोच, पहले ये मेरी ट्रेनिंग करवा रहे थे, आजकल ये करवा रही हैं, तो दोनों ही दी बेस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करवाते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट करवाते हैं। और स्पेशली ये होता है कि इन लोगों को पता है कि जिस तरह मेरे थाइस का बहुत इशू है तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट करवा रही हैं, ज़्यादा मुझे थाइस की और हिप्स की ये एक्सरसाइज करवा रही हैं। 5.6 पे चलाएं, थोड़ी सी रनिंग लास्ट में आपने करनी है, पहले आप थोड़ा वॉक करेंगे। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप लोग आपस में गपशप लगाते रहें तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा फन करते हैं
और पहले अभी ये हम स्लो 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 जा रहे हैं, उसके बाद अभी स्पीड पकड़ूंगी मैं। रनिंग करने से बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, बहुत जल्दी लेट होता है। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट टाइम चलाने के बाद थोड़ा आपने खड़े होकर भी चलाना है। जितनी ये अच्छी है ना उतनी ये स्ट्रिक्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मानूर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? जी आज मैं यहाँ पर फर्नीचर की सिलेक्शन करने आई हूँ। जब भी कभी भी मैंने घर के लिए फर्नीचर ख़रीदना होता है तो मैं यहाँ पर ही आती हूँ, तो अब सिलेक्शन करती हूँ। आप प्लीज़ बैठ के देखें, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। मेरी फेवरेट चीज़ें तो ज़्यादा ये हैं, डेकोरेशन पीस, सोफ़े, और हर साल मैंने अपना बेड लाजमी चेंज करना होता है। वाओ ज़बरदस्त, ये डेकोरेशन पीस का पीस है और इसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। वाओ कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। जब वेदर अच्छा होता है और जब मेरा चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है तो मैं गोलगप्पों को लाइक करती हूँ और मैं गोलगप्पे खाने यहाँ पे आफर टावर आ जाती हूँ। मौसम भी बहुत खूबसूरत है और मेरा गोलगप्पे खाने को दिल चाह रहा था तो मैं आ गई। गोलगप्पे खाते खाते कहीं खुद गोलगप्पी ना बन जाइएगा। अभी बनी भी हूँ। अब मेरा ख्याल है हमें घर के लिए निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल निकलना चाहिए। ठीक है। मानूर इतनी जोली हैं आप, जिम में जाके अपनी जिम ट्रेनर को मतलब तरह तरह की बातें, उसके अलावा फिर जिम करती हैं तो काफ़ी हार्ड वर्कर भी हैं आप। बेसिकली मैं हसमुख हूँ, मुझे ना जेलस टाइप के लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे अपनी गैदरिंग के लोग बहुत पसंद हैं। मैं जिम भी जाती हूँ, मैं इंटरटेन करती रहती हूँ, फ़न करती रहती हूँ, हंसती हूँ, हंसाती हूँ, वो भी सारे हैरान रहते हैं कि मानूर तुम इतना मतलब हंसती हो, चहकती रहती हो कि मुस्कुराती रहती हो। मैं ये समझती हूँ कि जो मुस्कुराहट होती है इंसान को तरोताज़ा भी रखती है और इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा खुशहालियाँ लेकर आती है और इंसान को खुश रहना चाहिए। एक तरफ आप डाइट पे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ ये गोलगप्पे और मतलब तरह तरह की चीज़ें भी खाती हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी कभार चीट भी करनी चाहिए। सुबह के टाइम में डाइट कर लेती हूँ, रात के टाइम पे जो मुझे मिलता है मैं खा लेती हूँ। फर्नीचर की दुकान पे आप फर्नीचर देखने के लिए जब गई, वहाँ पर आपके एक अच्छे दोस्त भी मिले, क्या हर साल बेड चेंज करती हैं? आपने ये बताया भी था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे शौक है और मैं जब तक साल में एक दफ़ा मैं फर्नीचर चेंज ना करूँ, अपने घर का डिज़ाइनिंग नहीं करूँ, मुझे सुकून नहीं आता। स्पेशली मेरी मदर को भी, हम दोनों को सुकून नहीं आता। हम लोगों ने हर साल अपना सारा फर्नीचर, जो वुड है, जो वॉलपेपर्स हैं, सब कुछ हम लोगों ने चेंज करना होता है। अच्छा मानूर मुझे ये बताएं, आपने कब शोबिज़ ज्वाइन किया और थिएटर में कितने ड्रामे किए और कब कब और कहाँ कहाँ किए? मैंने थिएटर जब स्टार्ट किया मैं छोटी एज की थी, माशाल्लाह अब तो मैं मैच्योर हूँ, समझदार हूँ, और क्या कहते हैं, बहुत मज़ा आया। जो भी छोटी एज मतलब कितनी उम्र से शुरू किया था? नहीं अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 13 साल की थी।
आई थिंक 18 की थी, 18 की 18 साल की थी, तो मैंने स्टेज स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो लोग बड़े हैरान हुए, तो कहने लगे ये बच्ची बहुत तेज़ है, बड़ी फास्ट है। तो इतना क्राउड, इतने लोग, तो बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि स्टेज को मैं लाइक करती थी। तो स्टेज के बाद मैंने फिल्म्स में बहुत ज़्यादा आइटम सॉन्ग्स किए, टेलीविजन किया, फिर अभी मैं सिंगिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, अभी सिंगिंग भी कर रही हूँ। मैंने कहा कोई काम छोड़ना नहीं। अच्छा, आपने पश्तो फिल्मों में भी काम किया? हाँ जी, पश्तो फिल्मों में भी काम किया। लेकिन पश्तो फिल्मों में काम करने का मज़ा तो आता है, लेकिन ये होता है कि आउटिंग भी हो जाती है, आपके माइंड भी फ्रेश हो जाते हैं, ग्रीनरी होती है, पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, वादियाँ होती हैं, खूबसूरत नज़ारे होते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन सच्ची बात बताऊं जैन, मुझे सर्दी बहुत लगती है। अच्छा, पश्तो वैसे बोल लेती है? नहीं, वो पश्तो नहीं भी बोल सकते, वो उर्दू में, हम लोग जिस तरह हम आम जुबान है, हम उर्दू में बात करें, पंजाबी में बात करें, वो इतने अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से डब करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आप उर्दू में बात कर रहे हो या पंजाबी में। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना अरसा काम किया स्टेज में? स्टेज पे मैंने काम किया है 10 साल की है, अभी भी कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक लिए क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, उस पर मैं अपने व्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ, और मैंने कुकिंग के भी बहुत ज़्यादा शोज़ किए। अच्छा। और मतलब जो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं 6-7 मिनट्स की, वो भी कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से, क्योंकि अभी जो स्टेज है वो जब जैन मैंने स्टार्ट किया था 10 साल पहले, एक टाइम था, एक अरूज था कि जब हम स्टेज करते थे लोग इतना पसंद करते थे, इतना क्राउड होता था, इतनी दुनिया होती थी। लेकिन अभी 10 साल पहले के स्टेज में और अब के स्टेज में बहुत डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया उसमें, मतलब क्या अच्छा हो गया, बुरा हो गया, या मतलब क्राउड कम हो गया, क्या डिफरेंस क्या? क्राउड भी कम हो गया, और अब ये सिस्टम हो गया कि जी अब डिमांड ये होती है कि जी एक लड़की है, कोई भी एक्स वाई जी कोई भी लड़की है, मैं नाम नहीं लूँगी, के प्रोड्यूसर ये कहते हैं कि जी हाँ जी आज आपके कितने लोग आ रहे हैं, आप कितने मेहमान बुला रहे हैं। भाई मतलब कि किस तरह के मेहमान, मेहमान नवाजी करने के लिए पूछते हैं? मेहमान नवाजी मींस के मतलब आप कॉल्स करें कि आपके कितने फैंस आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, अब देखिए फैंस को आर्टिस्टों ने थोड़ी फोन करना होता है, जो चाह रखते हैं, जो चाहत रखते हैं, प्यार करते हैं, उन्होंने तो आना है, वो खुद आए। अब एक आर्टिस्ट फ़ोन करते हुए अच्छा ही नहीं लगता वैसे भी। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हो गई हैं, अब लोगों ने क्लैप लेने के लिए 20-20, 30-30, 40-40 बंदे हायर किए होते हैं। अच्छा महानूर, मुझे ये बताएं, कुछ लड़कियों का ये कहना है कि प्रोड्यूसर्स कहते हैं बिस्तर गर्म करो, इससे क्या मतलब है और कितनी कुछ सदाकत है इसमें कि वाकई ऐसा काम होता है इस फील्ड में? पहली बात तो ये कि प्रोड्यूसर कभी ज़बरदस्ती करता नहीं है। देखें, आर्टिस्ट की अपनी मर्ज़ी होती है तो वो सब कुछ करता है। जहाँ तक रही आपने ये सवाल पूछा कि बिस्तर गर्म करना या नहीं करना, ये हर किसी पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता। और आर्टिस्ट में इतनी विल पावर होनी चाहिए, इतना उसमें टैलेंट होना चाहिए, इतना फ़न होना चाहिए कि वो अपने फ़न से, अपनी मेहनत से, लगन से इतना काम करे कि प्रोड्यूसर को ये कहने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ लड़कियां बेचारी मजबूर भी होती हैं, ज़रूरतमंद भी होती हैं, जिनको ये सब कुछ करना पड़ता है। बाकी जैन, मैं ये समझती हूँ कि ये सब किस्मत की और तकदीर की बातें होती हैं। जिसने अपना नाम या मकाम बनाना है ना, उसको ये बिस्तर गरम करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं। महंगी गाड़ी रखी हुई है, अच्छा खासा घर है, अल्लाह का एक गाड़ी नहीं बल्कि 2-2 महंगी गाड़ियाँ रखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा घर भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, जब कोई साइड बिजनेस नहीं है तो फिर ये कहाँ से आई है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किया जैन, मैंने बहुत, मेरी कम पेमेंट थी, लेकिन मैं मेहनत करती रही करती रही। और कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जी मर्दों के पास इतना पैसा नहीं आता जितना के औरतें शॉर्ट टाइम में इतना पैसा कमा लेती हैं। औरतों की स्ट्रगल भी बहुत होती है, औरतों की मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आज ये लोग देखते हैं कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, तो ये ऐसे नहीं आया, तो इसके पीछे 10 साल की मेहनत है। 10 साल की मेहनत में कौन कौन सी ऐसी मेहनत शामिल है जिस प्रोसेस से आप गुजर के इतना पैसा कमा चुके हैं? कितना पैसा कमा चुकी मैं, कौन सा कोई लैंड क्रूजर, उसके बाद अच्छी दूसरी भी गाड़ी है आपके पास, वो भी अच्छी गाड़ी है, उसके बाद माशाल्लाह शाहाना घर है, मेरा अपना बुटीक है, मेरा क्या कहते हैं, मैंने स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पेमेंट ली है, मैंने प्रोड्यूसर से क्या कहते हैं एडवांस पेमेंट्स ली हुई है, फिर 3-3, 4-4, 5-5 माह की इकट्ठी पेमेंट ली हुई है, तो अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है। अब ये जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। एक ड्रामे के कितने पैसे मिल जाते थे?
बहुत ज्यादा अच्छी खासी अमाउंट है मेरी। बहुत ज्यादा कितने? अब ये नहीं मैं बता सकती, अंदाजन 2 लाख 5 लाख 10 लाख। आपका क्या ख्याल है? मिल जाता होगा 70-80 हज़ार रुपया, और कितने को मिलते हैं? ज़ेन, अच्छा जोक है। कभी मायूसी हुई है किसी भी बात पे, यार ये नहीं करना चाहिए था? नहीं। खुशी फील होती है? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कभी कभी मायूस हो जाती हूँ कि ऐसे ना करती, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बस जब जो होना होता है वो हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी प्यार हुआ? एक दफा। क्या मतलब एक दफा? प्यार हो जाता है मुझे, प्यार हो जाता है। मैं बहुत लविंग हूँ, बहुत प्यार करने वाली हूँ, बहुत केयरिंग हूँ, और मुझे बहुत जल्दी प्यार हो जाता है किसी के साथ भी। हाँ, हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, सुनने में ये आता है कि स्टेज की लड़कियों को एक बॉयफ्रेंड की बड़ी जरूरत होती है, उसकी वजह क्या है? ये तो ज़ैन मुझे खुद नहीं पता कि उसकी क्या वजह है, लेकिन ये है कि जब आपके फैंस आते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं, जब आप गपशप लगाते हैं तो दोस्ती भी हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं होता कि आपका किसी के साथ कोई गलत ही रिलेशन है, मतलब अगर हो भी जाता है तो किसी को वैसे मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दोस्ती एक अलहदा चीज़ है, दोस्ती के बाद गाड़ियों पर फायरिंग, वैसे लड़ाइयाँ, झगड़े, ये क्यों हो जाते हैं? ये मैंने एक और चीज़ भी नोट की है कि जब कोई भी आर्टिस्ट स्टेज पर पीक पर जाना शुरू हो जाती है, जिसका नाम बनना शुरू हो जाता है, जिसको जिसका एक नाम होता है, लोग जिस तरह करते हैं, महनूर है और बहुत सी लड़कियां जो थोड़ा सा जिनका अप ग्राफ होना शुरू हो जाता है, तो बस लोगों का यही काम है, या फायरिंग करवा दो, या लड़ाई झगड़ा करवा दो, या हूट करवा दो, ये 3-4 काम ऐसे करके ताकि लड़कियाँ फेड अप हो जाएँ और घर पर बैठ जाएँ। कौन कौन सी पाकिस्तानी फिल्म में काम किया हुआ? पाकिस्तानी काफ़ी फिल्म्स में मैंने आइटम सॉन्ग्स किए और बहुत अच्छे आइटम सॉन्ग्स। अभी इंशाल्लाह ताला प्लान है, कोई अच्छी फिल्म बनेगी तो ज़रूर करूँगी, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कोई हमारे पाकिस्तान में फिल्म बन रही है। सारी जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं वो कराची में बन रही हैं, लाहौर में तो ऐसे कोई फिल्म नहीं बन रही। टीवी ड्रामे में चांस नहीं मिला या काम नहीं करना चाहते? चांस बहुत मिले हाँ, लेकिन काम किया नहीं। क्यों नहीं किया? अब ब्रेक लिया स्टेज से, इंशाल्लाह ताला टेलीविजन में भी काम करूंगी। एक दो सीरियल किए हैं, लेकिन जो एक होता है ना रेगुलर और प्रॉपर काम करना, वो नहीं किया स्टेज टीवी में। एक हफ्ते में एक स्टेज अदाकारा 3-4 लाख रुपए इजीली कमा लेती है? इसका मतलब कमा लेती है। अच्छा मानूर मुझे ये बताएं कि शादी का क्या प्लान है? शादी का प्लान इंशाल्लाह ताला है, जैसे कोई अच्छा लड़का मिलेगा, खूबसूरत लड़का, डैशिंग पर्सनैलिटी, वाओ जबरदस्त, जिसकी मूछें हों, बादामी रंग हो। अच्छा मानूर, अपने जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहती हो? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उन सब लोगों से ये कहूँगी कि लड़ाइयाँ झगड़े खत्म कर दें और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहा करें, मिल बांट कर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाजत, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।